आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। आप देखते हैं दिल्ली में आपके प्रधानमंत्री साहब बैठे रहते हैं, फिर आपने देखा है इसी तरह की व्यवस्था आप लोग राज्यों में देखते हैं, राज्यों में आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री बैठे रहते हैं, फिर आपने देखा होगा कि नीचे विधायक भी काम करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके गांव की समस्या को, मुझे लगता है जितने जितना बेहतर आपका सरपंच यानी कि वहाँ का स्थानीय नागरिक समझ सकता है, उतना विधायक नहीं समझ सकता है, उतने अच्छे से लोकसभा सदस्य नहीं समझ सकता है। आप समझ रहे हैं? इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपके यहाँ प्रधान, या जिसे आप लोग सरपंच कह देते हैं, मुखिया कह देते हैं, या फिर ग्राम प्रधान भी कह देते हैं, इस पद का सृजन किया गया है। और आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए, अगर गांधी जी कुछ समय तक और जिंदा रहते, आपने देखा होगा कि 1948 में उनकी हत्या कर दी जाती है, अगर कुछ समय तक और वो बने रहते इस दुनिया में, तो जो भी आपकी जो स्थानीय प्रशासन है, जो सरपंची का, जो भी आपकी पंचायतों का बात है, इन्हें संविधान में जगह मिल जाती है। जो आपने देखा है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में उन्हें जगह दी गई है। आप समझ रहे हैं? तो इसके बारे में एक आपके क्वेश्चंस परीक्षा में भी पूछे जाते रहते हैं, और वैसे भी आपको सामान्य जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए। और एक बात और हमेशा बताऊँ आपको, इतना याद रख लीजिए, अगर सरपंच अपना कर्तव्य अच्छे से निभाता है, उसका जो कर्तव्य है अगर उसे निर्वाह उसका अच्छे से जो भी काम है उसके देखता है, तो आपके गांव की 90 से 95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपके गांव में किसके किस परिवार में क्या स्थिति है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ एक तरह से गंदगी फैली हुई है, इसके बारे में सरपंच जानता है बेहतर, तो इसी के लिए उसे रखा गया था। लेकिन आपने देखा है कि आजकल के सरपंच भी कैसे हैं, अपना घर भरने में लगे हुए हैं, ये अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्थानीय प्रशासन के बारे में, जो पंचायती सिस्टम है, इसके बारे में एक विस्तार से बात कर लेते हैं। जो भी अगर परीक्षाएं आप लोग देंगे उनमें आराम से इन्हीं से क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत में प्रति वर्ष यानी कि हर साल 24 अप्रैल को क्या पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 वाला, ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था, इसीलिए 24 अप्रैल को आप लोग पंचायती राज दिवस मना लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपका वन डे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, इस वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आप देखते रहते होंगे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को विहंगावलोकन करने से ज्ञात है कि ये आपका 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, और जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। तो 73वें संविधान संशोधन को याद रखिए, ये आपका आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो, यानी कि बंटवारा हो शक्तियों का, एवं विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर हो। इससे क्या होगा कि आप समझ सकते हैं कि अधिकतर हमारी जो भी जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो इनकी समस्याओं को मालूम तो होना चाहिए, तभी तो समाधान हो सकता है ना। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रवाह निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर करने के लिए वर्ष 2004 में पंचायती राज को अलग मंत्रालय का दर्जा भी दिया गया है, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और भारत में पंचायती राज के गठन और उसे सशक्त करने की अवधारणा महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है, और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी से काफ़ी, एक तरह से आप समझिए कि इसके पक्ष में थे। ठीक है, आर्टिकल 40 में आप देखते होंगे पंचायतों से संबंधित है, आपका पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। आप लोग जानते हैं कि कई आपके लोकसभा सदस्य होंगे जिन्हें आप लोगों ने चुन भली लिया हो, लेकिन आपकी गांव की समस्या को वो लोग नहीं पहचान पाते होंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने जानने हैं। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य आखिर क्या होता है।
तो याद रखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है, मतलब होता है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, और ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। यहाँ सीधा सा कहने का मतलब है कि आप समझिए, केवल शक्ति अगर प्रधानमंत्री के पास हो तो आप समझिए कितना काम होगा, समझ रहे हैं? फिर तो आप उसी सिस्टम को मानेंगे कि राजा, एक राजा था और राजा ही पूरी शक्ति हुआ करती थी, राजतंत्र हुआ करता था, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसी के लिए पंचायतों में कुछ शक्तियां दी गई हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है? आगे स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी, और इसका उद्देश्य देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था, और यह उम्मीद थी ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी। और एक बात और आप लोगों ने देखी होगी कि ऊपर से कितनी भी योजनाएं बना दी जाए, अगर आप सोचिए नीचे तबके तक पहुंचाने, उन्हें लागू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो वो धरी की धरी रह जाएंगी, समझ रहे हैं? तो इसी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी कई बार आपका पूछा जा चुका है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिए लॉर्ड रिपन को, इस नाम को याद रखना है आपको। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, और जिस स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 में के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे पे शासन की व्यवस्था की गई, और तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों में सूची में रखा गया था, ठीक है? फिर आप देखेंगे आज़ादी के बाद अगर बात करें तो 1957 में योजना आयोग, जिसे अब प्रतिस्थापित करके नीति आयोग आ चुका है, और याद रखिए स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी की बात की जा रही है, और आप सभी को मालूम होगा कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1993 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, और नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें आप देखेंगे ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया था। तो ये भी कई बार आपके देखिए, जैसे आपका सिविल सर्विस हो गया या फिर स्टेट PCS हो गया, इनमें आपका कई आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह के, पूछ लेगा कि योजना आयोग कब आया था, उसका डेट दे देगा, और सही सम्मिलित करने के लिए आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये सभी दे देगा, या फिर आपसे समितियों के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि पंचायतों से संबंधित कौन कौन सी समिति थी, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए, और किस तरह की व्यवस्था की बात करती थी कौन सी समिति, तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी ए आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती थी, और याद रखिए पंचायती सिस्टम से संबंधित है आपकी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है? बस 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया था। और आप उठा के क्वेश्चन पेपर अपने उठा के देखिए, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि कम से कम 5-7 साल के क्वेश्चंस पेपर आपके पास होने चाहिए पुराने। ये क्वेश्चंस आपका एक बार नहीं, हजार बार बन चुका है तरह तरह की परीक्षाओं में, आपका वन डे एग्जाम में तो फेवरेट क्वेश्चंस है एक तरह से। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, तो याद रखिए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, याद रखिए। आगे है वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर आपको देखने को मिलेगी, और जिला परिषद जिला स्तर पर देखने को मिलेगी आपको। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ क्या हैं, तो याद रखिए बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में आई थी, ये आपकी पंचायती सिस्टम से संबंधित है। अशोक मेहता समिति, ये 1977 में आई थी, ये भी आपकी पंचायती सिस्टम से संबंधित है। GVK राव समिति 1985 में आई थी, ये भी आपकी पंचायतों से संबंधित है।
और एल एम सिंह भी समिति, ये भी आपकी 1986 में आई थी, और याद रखिए ये भी आपकी पंचायती सिस्टम से संबंधित है। अब आपसे क्वेश्चंस किस तरह का बन सकता है, इस तरह का, या तो इस तरह का पूछ लेगा कि पंचायती राज्य से संबंधित समितियां हैं, और ये चारों ऑप्शन दे देगा आपको, एक ए बी सी एक दो तीन पॉइंट में दे देगा, और नीचे चार ऑप्शन देगा, एक दो तीन सही है, दो तीन चार सही है, या फिर एक दो तीन चार सही है, चारों सही है। तो आप लोगों को देखना होगा, इन चारों को आप लोग याद रखिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आराम से बन सकता है इससे, ठीक है, याद रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग 73वें संविधान संशोधन के बारे में, क्योंकि इससे भी कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते रहे हैं, ठीक है। और तो इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में आपका भाग 9 जोड़ा गया था, तो याद रखिए जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो भाग 9 जोड़ा गया था और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, ये भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, तो याद रखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 243 में, ठीक है, और याद रखिए 243 को भी याद रखना चाहिए। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ऋणा, यानी कि इसे टाटा डा आप जाना ऐसे ना पढ़ते हैं ना वही है, या फिर इंग्लिश में आपसे पूछे तो 243 से 243 ओ तक पंचायती राज्य से संबंधित उपबंध है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका रहता है ना उसे देख लिया करिएगा, ठीक है। ग्राम सभा ग्राम के गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और बेकार कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल भी निर्धारित करे, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं आप लोग देखते रहते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय की सूची की व्यवस्था की गई है, तो 29 विषय को भी आप लोग याद रखिए कि 29 विषय हैं इसमें, ठीक है। पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्र की संख्या के बीच का अनुपात 7:2 और सभी पंचायत क्षेत्र में समान भी हो। आप लोग चुनते भी तो होंगे सरपंचों को, ठीक है, ये अलग बात है कि आप लोग 5 साल में 1 साल आपके पैरों में पड़ता है सरपंच, बाकी 5 साल आप उनके पैरों में पड़ते रहते हैं, पड़े रहते हैं, जो भी व्यवस्था हो। संविधान का अनुच्छेद 243 घा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित करने की किए जाने की सुविधा देता है, और याद रखिए कई जगह ये महिलाओं की भी बात करता है, ठीक है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहाँ की आबादी के अनुपात में होता है और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के एक तिहाई से कम नहीं होगी, ठीक है। और याद रखिए महिलाओं के लिए ओबीसी के लिए भी कई जगह आप देखते होंगे व्यवस्था रहती है आरक्षण की। इससे क्या रहता है कि आप समझिए कि अगर एसटी के लिए कोई सीट आई हुई है तो आप समझ सकते हैं कि उस पर केवल एसटी का ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, लेकिन सामान्य के लिए अगर आती है तो उसमें सब कोई चुनाव लड़ लेता है, ठीक है। अगर हम सरपंच के कार्यकाल की बात करें कि ये कितने साल के लिए चुना जाता है, यानी कि एक बार सरपंच को चुन लिया गया तो वो कितने साल तक रह सकता है पद पर, या फिर क्या सरपंच को पहले भी हटाया जा सकता है, तो याद रखिए पहले भी हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, और लेकिन कार्यकाल के पहले भी से आप लोग पंचायत को भंग कर सकते हैं। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या फिर पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर सरपंच जो भी कार्यकाल है वो खत्म हो जाता है या फिर उसकी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के भीतर आपको चुनाव करवाने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पद खाली नहीं बना रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग पंचायतों के संबंध में गांधी दर्शन, यानी कि गांधी ने क्या कहा इस पर, गांधी दर्शन है क्या इसमें। गांधी अपने को ग्रामवासी ही मानते थे, और आपने देखा होगा कि अधिकतर नेता भी कहते रहते हैं कि मैं गांव से हूँ, मैं खेती परिवार से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, इस तरह की भी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। ये अलग बात है कि इनकी विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा में जमीन व आसमान का फर्क है। वो सभी की समस्याओं को समझते थे,
लेकिन आज के नेता केवल वोट बैंक के लिए इस तरह के शब्द बोलते हैं। ठीक है, गांव में ही बस गए थे, गांव की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने अनेक संस्थाएं कायम की थी और ग्रामवासियों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारने का भरसक प्रयत्न भी किया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि गांव की स्थिति में सुधार करके ही देश के को सभी दृष्टि से अपराजेय बनाया जा सकता है। आप लोग भी जानते हैं कि जब गांव सशक्त होंगे तभी तो आप समझ सकते हैं कि देश मजबूत होगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा गांव को पराजित बनाने का जो षड्यंत्र किया गया था उसे समझकर ही वे ग्रामोद्यान यानी कि गांव के उद्यान की बात करते थे, को सब रोगों की दवा मानते थे। और इसके लिए आपने देखा होगा कि संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत गांधी जी की कल्पना के अनुसार ही ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। इस आर्टिकल की मैं बात भी कर रहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को प्रभावशील होने में तथा प्राचीन गौरव के अनुकूल होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। यदि प्रारंभ में ही उनके हाथों में दंडकारी शक्ति सौंप दी गई तो उसका अनुकूल प्रभाव पड़ने के स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसलिए ग्राम पंचायतों को प्रारंभ में ही ऐसे अधिकार देने में सतर्कता आवश्यक है कि जिसके कारण उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग ना लगे। ठीक है, एक तरह से, और प्रारंभ में यह आवश्यक है कि पंचायतों को जुर्माना करने या फिर आप देखेंगे किसी का सामाजिक बहिष्कार करने की सत्ता ना दी जाए। आप लोग देखते होंगे कि अभी भी हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर इस तरह की व्यवस्था भी चलती है, खाप पंचायतों की। वो जो निर्णय देते हैं उन्हीं को माना जाता है, समझ रहे हैं? तो गांव में सामाजिक बहिष्कार अज्ञानी या फिर अविवेकी लोगों के हाथ में एक खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्माना करने का अधिकार भी हानिकारक साबित हो सकता है और अपने उद्देश्य को भी नष्ट कर सकता है। और अभी भी आप देखते हैं कि विरोध भी होता रहता है इनका सबका। गांधी जी के विचार का तात्पर्य पंचायत को अधिकार विहीन बनाना नहीं बल्कि अधिकारों का दंड देने के रूप में संयमित प्रयोग किए जाने से था। गांधी जी पंचायत को अधिकार भोगने वाली संस्था ना बनाकर सद्भाव जागृत करने वाली रचनात्मक संस्था के रूप में विकसित करना चाहते थे और उनका भरोसा भी था कि यह संस्था गांव में सुधार का वातावरण पैदा कर सकती है। लेकिन याद रखिए, इस क्षेत्र में कई चुनौतियां भी रही हैं। कौन कौन सी चुनौतियां रही हैं? जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, फिर भी किसी भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो गया या फिर सिविल सर्विस का हो गया, उसमें जब भी आप लोग मुख्य परीक्षा में कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको चुनौतियां भी लिखनी होगी और इसके क्षेत्र में जो भी उपाय हो सकते हैं उन्हें भी आप लोगों को बताना होगा, समझ रहे हैं? पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि पंचायतों के पास अपना कुछ पैसा उगाने का या पैसा लाने का कोई जरिया नहीं है, समझ रहे हैं? वित्त आयोग, आपने देखा होगा कि राज्य में जो भी वित्त आयोग होता है वहीं पर निर्भर रहना पड़ता है एक तरह से। ठीक है, याद रहे कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिए ही होता है और कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर भी नहीं होता है। कई पंचायतों में जहां महिला प्रमुख है वहां कार्य वर्ष के उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है और महिलाएं केवल नामात की ही प्रमुख होती हैं और इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित भी होता है। अधिकतर मामले में आपने देखा होगा कि जब कोई पुरुष चुनाव लड़ रहा होता है तो उसका केवल अपना ही नाम लिखा जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब महिलाएं चुनाव लड़ती हैं तो उनके नाम के साथ अपने पति या फिर अपने पिता का नाम लिखा जाता है और उसमें आपने देखा होगा कि जीतने के बाद सरपंच सरपंच का जो भी पद रहता है, जो भी कार्य रहता है, वो महिला नहीं संभालती है, उसे जो पीछे लग रहते हैं वही लोग संभालते हैं। तो ये भी एक तरह से आरक्षण पर आप कह सकते हैं कि नकारात्मक रूप देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामले में हस्तक्षेप करते हैं और जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है, जिसे आप लोग देखते होंगे सचिव भी कहते हैं, आप लोग वीडियो भी कह देते हैं, कई लोग इन्हीं की बात हो रही है, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है। ये तो है समस्याएं, ये तो है चुनौतियां, आखिर से इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? इसके लिए कुछ उपाय भी तो हो सकते हैं, तो उपाय को भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए, यानी कि इनका भी अपना कुछ पैसा उगाने का कुछ माध्यम हो। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं खुद अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करें
और इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी भी की है। इस दिशा में और भी बेहतर कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालकीय अधिकार दिए जाएं और बजट आवंटन के साथ ही समय समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिए। और इस दिशा में सरकार द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ एक सराहनीय काम भी है। ठीक है, महिलाओं को मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना चाहिए, जिससे निर्णय लेने के माध्यम से में आत्मनिर्भर बन सके महिलाएं। पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर क्षेत्रीय संगठन के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। कहने का इतना ही मतलब है कि समय समय पर इनका चुनाव होता रहे, समझ रहे हैं? पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन करना चाहिए और इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पंचायत को पुरस्कृत करना चाहिए। कहने का मतलब ये है सीधा सा कि पंचायतों की रैंकिंग तैयार कर देनी चाहिए, एक तरह से जो अच्छा प्रदर्शन करती है उसे कुछ पुरस्कार दिए जाएं। इससे क्या होगा कि वहाँ आसपास की जो भी पंचायतें होंगी या फिर देश में कहीं भी कोई पंचायत होगी तो ये आप समझिए कि कंपटीशन में शामिल हो जाएगी और हर हर पंचायत चाहेगी कि हमें पुरस्कार मिले। इसके लिए वो क्या करेंगे कि अच्छे से अच्छा काम भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सुनते भी थे हैं कई बार कि इस पंचायत को पुरस्कार मिला हुआ है। यूएन के द्वारा भी आपने देखा होगा कि एमपी की किसी पंचायत में महिला सरपंच है, उसे भी दिया गया था। तो आपके पंचायत सिस्टम जो भी है इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं और अधिकतर क्वेश्चंस आ जाते हैं। इतना ही आप लोगों को पढ़ना चाहिए मुझे लगता है इसमें, इन्हें कब संविधान में जगह मिली और इनसे कौन कौन सी समितियाँ हैं आपकी, इसी से बनते रहेंगे। ठीक,